रीबिल्ट अट ऑफ हाँ <laughs> थोड़ा थोड़ा मतलब आग में आपको आग को और भड़काने के लिए कपूर डालना होता है ना जब हवन करते हैं तो आग को ज्यादा करना है तो उसमें कपूर तो वो है डार्विन <laughs> जोगन को काफी लोग बोलते हैं, टू टू आर प्लेयर्स। आज देखते हैं कि मैंने पे हम कितने लॉयल है कीप और सेल फॉर नेक्स्ट सीजन रिवैम की जरूरत है ये मुश्किल होगा बिकॉज यार ये प्लेयर्स ने हमें बहुत सक्सेस दिया है मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा सक्सेस है एज लिवरपूल फैंस अगर हम लीग जीते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत अटैचमेंट है Uh, with these players. But I think it's time to move on from some. So, आज हम लोग वही करेंगे हमारे ओपिनियन में कि हमने क्या करना है इन प्लेयर्स के साथ मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट मैं कीपिंग एंड सेलिंग के डिसीजन में एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ वो एफ एस जी बेसिकली आई नो दैट वी विल नीड टू सेल सर्ट प्लेयर्स टू बाई न्यू प्लेयर्स सो इसलिए वो एक चीज हो सकती है एंड सेकेंडली Uh, हम बीस प्लेयर नहीं बेच सकते एक एक ट्रांसफर विंडो में एंड एक्सपेक्ट बीस प्लेयर साइन करना सो इसीलिए कीप एंड सेल ये आर टू थिंग्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे मेरे डिसीजन मैं पहली बता रहा हूं बिकॉज वी कैन नॉट लेट गो ट्वेंटी प्लेयर्स एंड सोचेंगे हम बीस प्लेयर साइन कर रहे हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड नितिन स्टिक टू द फर्स्ट टीम तो कुछ नाम आपको इसमें शायद नहीं इंक्लूड हो सकता है नहीं हो तो वो आप ध्यान में रखिए हम फर्स्ट टीम और उसके अराउंड थोड़ी बात करेंगे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूथ सेटअप एंड ऑल दैट ठीक है विद दैट लेट्स बिगिन बहुत सिंपल है यार पहला क्वेश्चन एंड आई थिंक वी नो बोथ नो द आंसर एलिसन बेकर ऑब्वियसली मूव लेट्स लेट्स मूव ऑन यस कीप एड्रियन जा रहा है फ्री में तो डज नॉट काउंट केलहर मानस सेल टू गुड टू बी द सेकंड चॉइस he wants game time he deserves game time sellable asset hai uh, hamara like i said fsg जैसे honors hai we हुँ. sell to buy so this is an asset that we can sell to buy abhi liye sell uh, not that not because i want to but karna padega kyunki humko paise raise karne ki zarurat hai to sell we are both on sell jo gomez keep sell Okay. अगर okay. अगर आठ दस मिलियन मिल जाता है जो गोमेज के लिए तो सेल अगेन आई 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 डों सेलिंग गोमेज फिलिप्स मैटिप एंड साइनिंग थ्री सेंटर बैग इन वन विंडो उस पर आऊंगा ना हाँ, और मैं, मैं, हाँ. मैं बोल रहा हूँ कि आई सी एस सेलिंग दट ना सो यू वुड सेल ओके आई वु नॉट सेल ओके ओके वर्जिल वैन डाइक कीप कीप कोनाटे कीप कीप हंड्रेड परसेंट आई वुड आल्सो कीप सिमिकास कीप यस आई सिमिकास वी हैव टू कीप एक एरिया में डेप्थ है एक एरिया में थोड़ा डेप्थ है उसको क्यों उसको भी आप जाने दोगे सिमिकास आई कीप या कैल्विन रामसे कि मतलब अभी तो बोलना भी क्या बोलू मैं मेरे को पता भी नहीं वो कैसा खेलता है टू बी ऑनेस्ट सो लेट्स गिव हिम अ चांस कीप यार हंड्रेड परसेंट कीप एंडी रॉबर्टसन कीप यस कीप कीप जोएल मैटिप सेल इट्स टाइम टू मूव ऑन एक साल बाकी रहेगा समर में उसके कॉन्ट्रैक्ट का सेम प्लेयर एनी मोर बहुत सर्व रियली वेल फ्री में साइन किया तो उसको बहुत सही साइनिंग बट दिस विल बी द राइट टाइम टू कैश ऑन हिम मेरे हिसाब से कीप एज अप एज अस ऑप्शन लोन लोन अगेन एंड सी वॉट है लोन हा बस मैं बोल रहा हूँ कैलहर जैसा सिचुएशन है उसका लाइक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है गुड टू प्ले जो भी पैसा मिलेगा विल बी री इन्वेस्टेड इन आर सो लाइक ये ये फैक्टर यही है कि आई थिंक मेरे लिए दो सेंटाबैग्स बेचेंगे हम लोग उसमें से एक नेटफिलिप्स होगा सो आई थिंक

ये ऐसा परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक अभी वो जो लॉयल्टी की बात आती है ना आई थिंक इट्स टाइम टू एक्ट क्विकली एंड अगर उसको रखेंगे और एक और साल अगर ऐसे खेला तो फिर सब लोग देखेंगे कि जब आपको दिख रहा था ड्रॉप हुआ इतना फॉर्म क्यों नहीं बेचा क्यों नहीं सो आई थिंक आई थिंक ही विल बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली जो सैक्रिफाइस होगा फॉर द रीबिल्ट

कि फिर फिर हम एक नंबर साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमको मतलब तीन मिडफील्डर फिर फिर हमको फिर हमको चाहिए, हमको चाहिए होंगे क्योंकि एक चाहिए. Ten, तीन नहीं कर तो of, uh, मुझे नहीं लगता है कि इवन आई डोंट थिंक इज द सेम प्लेयर बट आई वुड कीप हिम प्योरली एज एज नंबर स्क्वाड में चाहिए ना कोई खेलने के लिए क्या yeah. Thiago is a very interesting one. He yes, he agree. I agree. Thiago Because he is he's approaching, he is approaching his last year of the contract next yes. season. Like, so I think uska what I think summer में बात करेंगे भाई तो एक और साल का extension sign करेगा क्या? Hmm. और अगर वो नहीं करेगा तो फिर interesting हो जाएगा. Do we run his contract out? Because we can't have ज़्यादा players leaving in one window जैसे हमने बात किया नीती। तो so जैसे जो तेरा जो तेरा थिंकिंग है फेबिनियो के लिए वो थिंकिंग मेरा थियागो के लिए कि आप यू नो लाइक फिर आप भेज दोगे तो किसको साइन करोगे सो हाँ। so, जो तू एग्जैक्टली फेबिनो का रीजन दिया वो मेरा एग्जैक्टली exactly रीजन है थियागो के लिए और क्वालिटी प्लेयर है मतलब सब जानते हैं हम लोग सो आई विल कीप थियागो आई विल ऑल्सो कीप थियागो सेम मतलब मैं सेम uh, रीजन मैं आई विल कीप थियागो जेम्स मिलनर इज लीविंग आई थिंक डोंट कीप नाउ मतलब टेस्टिमोनियल करो टेस्टिमोनियल <laughs> करो और जाने दो ह्यूज लेजेंड ऑफ द क्लब बहुत रेस्पेक्ट है बहुत कुछ किया उसने क्लब के लिए लेकिन अभी हो गया या या अभी वो तो जा ही रहे मैं यही <याभी laughs> बोलूंगा निकेटा प्लीज डोंट इवन टॉक अबाउट एन एक्सटेंशन आई डोंट डिसलाइक द प्लेयर आई थिंक बहुत अच्छा प्लेयर है Uh, बहुत पोटेंशियल अच्छा। था अच्छा था। अच्छा पोटेंशियल था <laughs> पोटेंशियल था।, था नहीं हुआ है फेयर टू से फेल्ड था नहीं जाने दो तो। मतलब भागते भूत की लंगोटी भली उसको जाने दो तो भैया उसको तुम जबरदस्ती रखोगे वो <laughs> फिर फिर से कुछ हो जाएगा जाने दो इट्स ओके सम या 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 जस्ट जस्ट आई थिंक बोथ ऑफ अस ऑन द सेल या या सेल कर कीप कप्तान साहब कप्तान साहब को रखना पड़ेगा बिकॉज रीबिल्ड में वो कैरेक्टर चाहिए रहेगा uh, आप बहुत कुछ बोलेंगे लोग आई एम श्योर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बोलना भी चाहिए इसलिए वीडियो बना रहे बट आप आप वही मैं बोल रहा हूँ आप पंद्रह प्लेयर नहीं बेच सकते और सोचोगे कि हम रीबिल्ड करेंगे तो फिर वो बहुत लंबा रीबिल्ड हो जाएगा uh, अब हम जो सिचुएशन में है हमें डेसिन चाहिए रहेगा टीम में कल ही वीडियो में बोला आई डोंट थिंक ही कैन स्टार्ट थर्टी गेम्स बट वी विल नीड हिम इन द स्क्वाड फॉर श्योर आई थिंक इन द कमिंग सीजन और इन्वॉल्वमेंट शायद से कम होगा गेम टाइम कम होगा बट आई थिंक हैंडिसन स्टेज निधि फॉर मी या सेम स्टेज बट उसका रोल कम शुड नॉट बी प्लेइंग मोर देन टेन टू ट्वेल्व गेम्स मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि एक नया कैप्टन अपॉइंट करने की जरूरत है जब हमने का सक्सेशन प्लानिंग कर दिया तो हिंडरसन का हम जरूर कर सकते हैं भाई लेट्स बी ऑनेस्ट वी हैव टू प्लान फॉर दैट इवेंचुअलिटी कीप बट उसका रोल कम करना पड़ेगा तो आई थिंक वी आर बोथ ऑन कीप एलेक्स ऑक्सलेट चेम्बलिंग

ये बहुत बड़ा रीजन होगा दैट वी कीप हिम या आई 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 एम 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 इन इन द कीप कैटेगरी बट अगर हमको एक ऑफर मिलता है दस बारह मिलियन का तो जाने दो प्रमोट बट प्रमोट प्रमोट समवन फ्रॉम द यूथ साइड कर्टिस जोन्स वैसे भी जितने गेम खेलता है टाइलर मॉर्टन वापस आ जाएगा लोन से वहां से पूरा हो जाएगा राइट right? -prone है, um, I like Jones as a squad मुझे नहीं लगता की वो स्टार्टिंग क्वालिटी है स्टार्टिंग एलेवन में आने के लायक है वो अभी फिलहाल जो हमारी मतलब अभी तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन uh, you know, हम, है टीम से

अब आते हैं भाई फॉरवर्ड्स के ऊपर मानस रोबर्टो फर्मिनो ये थोड़ा लंबा आंसर आएगा मेरी तरफ से लेकिन इसलिए तू पहले तो तू तो ही, ही बोल तो तू तो ही बोल तू तो ही बोल लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से आई वुड कीप रोबर्टो फर्मिनो विद वन कंडीशन कि वो एक दो साल के लिए एक्सटेंड करे इधर ऑन द सेम सैलरी और रिड्यूस्ड वेजेस आई मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि नॉट बिकॉज इमोशनली Uh, तो वो अलग बात है इमोशनली अटैच तो हम जो जो प्लेयर्स को हमने सेल बोला उस उससे भी हम हैं लेकिन आई थिंक फमीनो ऐसा प्लेयर है ना जो तेरे को एक बहुत अलग एंगल दे सकता है पूरे फॉरवर्ड लाइन में फमीनो जैसा एक भी प्लेयर नहीं है और इफ ही अग्रीज टू टेक द सेम वेजेस एंड स्टे क्योंकि यार देख वो जाएगा तो फ्री में जाएगा वो भी एक फैक्टर है वो जाएगा तो जा रहा है फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे अच्छा आप एक्सटेंशन दे दो ऐसा नहीं है ना कि हम वेजेस के लिए तड़प रहे हैं हमको हम वेजेस नहीं दे पा रहे हैं किसी प्लेयर्स को आप उसको wages दे दो ये मैं जो Henderson के बारे में बोल रहा हूं ना ऑब्वियसली नॉट एज बैड एजरसन बट इवन फर्मीनो वाला प्लेयर नहीं है ऑफ द बेंच आएगा कुछ गेम्स में ही कैन स्टार्ट एंड सो माई अ ग्रेट अभी हमारे पास नूनेस गैक् ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत यंग है सो ही कैन बी अंटर टू वेल स्पेशली दैकपो तो आई वुड कीप बॉबी आई वुड वु वु लेट हिम आई थिंक या इट्स अ शेम इट्स अम इम फॉर मेनो चेम्बलिन फ्री में जाने दे रहे हैं सो इट हर्ट्स इवन मोर बॉबी के साथ तो बहुत अटैचमेंट है

<laughs> हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब आग में आपको आग को और भड़काने के लिए कपूर डालना होता है ना जब हवन करते हैं तो आग को ज्यादा करना है तो उसमें कपूर तो वो है डार्विन डार्विन तो यार नो चांस इसको तो रखना ही है आई 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 मतलब वो वो तो, तो, ही एड्स हराम पंती इन द टीम विच आई लव इज वेल सो ही हैज टू स्टे ही हैज टू स्टे ही हैज टू स्टे फैबियो करवा

या तो या तो कुछ हुआ है ओवरऑल uh, जैसे मतलब कुछ पर्सनल रीजन या फिर आई थिंक वी फाउंड आउट दैट उसका लेवल अभी उतना है नहीं विच इज समथिंग दैट आई सस्पेक्ट सो माई वर्डिक्ट ऑन फैबियो करवालियो इज लोन पांच मिलियन है ना आपको वैसे भी बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं फैबियो करवालियो को बेच के उसके वेजेज उतने कुछ हाई है नहीं आप लोन पे जाने दो अगर सामने वाली टीम बोलती है कि एक, एक एक सीजन इसका परफॉर्मेंस देखेंगे

एंड तो दर्ड इट इज ऑफकोर्स कीप बट क्या होगा आगे पता नहीं भाई येट ये, ये, ये अगली अगर हम चैंपियन सीप में नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूँ हम तो ऐसे कीप सेल्फ बोल रहे प्लेयर्स भी तो सोचेंगे प्लेयर्स भी तो बोलेंगे जान ही रहा है yes, अभी मैं जो मैं चाहता हूँ वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं बोल रहा हूँ कि कल को अगर एफएसजी को किसी ने बोला कि सेवेंटी मिलियन एट्टी मिलियन ठीक है एंड लेकिन तो दे माइट गेट टेम्पटेड बट मैं एक बात बोलू सलाह का रिप्लेसमेंट ना हार्वी एलियट नहीं होना चाहिए हाँ <laughs> सलाह का रिप्लेसमेंट जोटा नहीं होना चाहिए आई लव जोटा आई लव हावी एलियट बट दे आर नॉट मोहम्मद सलाह सेल ओनली इफ

या, या, अगर एफ एस जैसे आपके ओनर है ना तो ये बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि कोई साला के लिए अगर बिट लेके आएगा तो वो बोलेंगे कि यार क्लॉप तू मेरे से ढाई सौ मिलियन मांग रहा है ना समर में उसमें से अस्सी मिलियन यहां से आएगा गहने बेच के घर बचा रहे गहने बेच के घर बचा रहे हैं

ललाना ये सब प्लेयर्स को हम लोग सही टाइम पे मूव ऑन कर देते तो ये 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 सिचुएशन में नहीं होते हम लोग थोड़ा और कैश इन द बैंक होता यू you नो know? कि आपको ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचने की भी जरूरत नहीं होती कि साला को शायद से बेचना पड़े और मेरे को वीडियो करते हुए बुरा भी लग रहा है यार मतलब अपने प्लेयर्स के बारे में कीप सेल कीप लाइक क्योंकि तो मैं समझ भी सकता हूँ क्लॉप के लिए कितना मुश्किल होता होगा टू मूव ऑन हम तो एक वीडियो में मेरे को अजीब लग रहा है यार मैटिप को बेच दो इसको भेज दो हो गया फैन as, as मेरे को अच्छा नहीं लग रहा करते आई होप सा इज नॉट वन ऑफ दोज प्लेयर जिन सेव टू मूव ऑन मैं एक बात बोलू मानस इवन विदर्स डिस्कस्ड से मतलब जो हमने बड़े प्लेयर्स जो चल मैंने बोला है सेल या तू ने बोला है सेल डिफेंस में आ जाए तो मैटेप जो गोमेज मैंने बोला है ठीक है जोमेज जोमेज जो गोमेज लेट्स वाले जोमेज नाम जो, जो जो नहीं थी उसका नया नाम हो गया जोमेज।, जोमेज।, जोमेज जो गोमेज और मैटिप आई डोंट थिंक दे आर गेटिंग यू एनी मेजर मनी मतलब वही आठ से बारह मिलियन के बीच में शायद आपको मिल जाए ठीक है uh, गोमेज का तो इंग्लिश टैक्स है भाई गोमेज का तो तू सरप्राइज्ड होगा तू यू त

आई थिंक 2026 तक है फेबेनियो का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है तो 3 साल और ये कितना मिलेगा 25 विल बी लकी टू गेट 25 30 20 से 25 मिलियन के बीच में मिलेगा ज्यादा साधा ज्यादा का तो यू आर टॉकिंग हाँ। चल जो गॉमेस का मैं 25 मानता हूँ चाहे मैटिप का तो उससे भी कम होगा मेरे हिसाब से हाँ। बट मैटिप का तो

गोलकीपर्स का थोड़ा कम मिलता है इज वॉट आई एम सेइंग आई थिंक बीस तो मिलेगा केलेहर के केले. लिए वो उसको 20 के नीचे नहीं जाने देंगे हम लोग ठीक है चल वेरी ठीक है चल बीस तो इफ यू आर रेडी टू सेल जो गोमेस केलेहर एंड फेबिनियो. पच्चीस बीस और बीस कितना हो गया 65 मिलियन 65 फाइव सेवेंटी मिलियन हाँ तो अनलेस यू एड साला टू दैट लिस्ट क्योंकि फॉरवर्ड्स में तेरे पास जो ऑप्शन तो और डिया को बेचने के लिए रेडी हूं जो पर्सनली आई एम नॉट नॉटी 65 मिलियन में यार यू यू गेट व्हाट चैंपियनशिप का एक डिसेंट प्लेयर आपको एक मिलेगा या फिर आपको कट प्राइस डील में अगर मिल गया तो मिल गया नहीं सो so, ये साला शुड नॉट पार, बी पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन अगर इफ इफ यू यू आस्क मी 100% सिक्स आर सेलिंग सपोजिटली थ्री प्लेयर्स एंड गेटिंग 65 बेटर होप that एज 200 million there plus on top of this. मैं कल यही बोलने की कोशिश कर रहा था है कि, अभी सपोज मेरा पॉइंट ये अपन को एफ एस जी ने चल ठीक है सिर्फ सौ ही दिया ठीक है और ये 165 हो गया अब ये सौ में 165 में हमने 100 मिलियन एक अटैकर पे खर्चा कर दिया तू समझ रहा uh, we'll तो है अब करेंगे आ, तो बेवकूफी है अब करेंगे तो बेवकूफी है पिछले समर में आ, देख भाई मानस एक बात मैं बोलना पिछले समर माने गया था इसलिए so, आया अभी यहाँ पे देख मिडफील्ड मेरे हिसाब से अगर चल थोड़ा सा परचेजिंग की भी बात कर लेते हैं मेरे हिसाब से बिगेस्ट प्रायोरिटी इज अ राइट सेंटर सीएम आरसीएम जिसको पोजीशन वाइज अगर बोलते हैं तो एक सेंटर मिडफील्ड सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मेरे हिसाब से द नंबर वन मतलब अगर अगर मैं टीयर्स बनाने बैठू ना तो वहां पे आपको लेना ही है आपको एक और मिडफील्डर चाहिए जो कि जो कैन प्ले और नंबर सिक्स रोल मैं फेबिनियो बोल रहा था ना कि अपग्रेड करना होगा वहां पे आपको एक फेबिनियो का आप एक अपग्रेड या फिर उस मतलब इस सीजन वाला फेबिनियो नहीं मतलब पिछले सीजन तक वाला फेबिनियो का एक प्लेयर लेके आओ एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम डिस्कशन विल टॉक अबाउट रियल ऑप्शन विल गेट समवन हु स्काउटिंग रिथ्वी क्यू से बात करेंगे हाँ हंड्रेड मेरे हिसाब से मैं तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो वीडियो के पहले मैं तो बताऊँ छह साइनिंग चाहिए अपने तीन मिडफील्डर दो सेंटर बैक और एक राइट बैक yes. यस मेरा लाइक आई तो वांट दिस आई नो ये पॉसिबल नहीं है बट आई थिंक दिस टीम रिक्वायर्स

ट्रिकी बिकॉज आपको अगर आपका लाइनअप रिप्लेसमेंट लाइन अप नहीं है तो आप बेच नहीं सकते इसलिए दो तीन प्लेयर रुक जाएंगे तेरे को पता है है इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है? क्या द स्मार्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज कि आप अभी से ये प्रोसेस स्टार्ट करो लेकिन हमको तो पहले डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ढूंढना है हमारे रिक्रूटमेंट टीम ही नहीं है तो कैसे करेंगे प्रोसेस इट्स वेरी पुअर प्लानिंग और क्लॉप को मतलब उस पिछले पिछले यार पिछले एक ये सा, एक साल में ना क्लॉप हैज मेड ब्लंडर्स उसको भी बैठ के किसी को बताना पड़ेगा कि भाई यू हैव मेड मिस्टेक्स यू हैव टू करेक्ट देम क्लॉप हैज मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट कोई है नहीं ना फिलहाल टू टेल हिम दैट इट बिकम्स कॉम वही, वही, तो वही वो और वो और वो दिक्कत वाली बात है भाई बिकॉज कुछ भी बोल टॉड बोली के बारे में ब्रामोविच के बारे में पी एच जी के बारे में सिटी के बारे में यार। तो कोई है नहीं ना, नहीं नहीं। इसकी गलती है उसकी गलती है आ, कौन यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग एंड इट्स टायर सम जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो तो क्लूलेस बैठे हैं मतलब क्लॉप तो फिर भी डील करता है ना यार एवरी डे के क्वेश्चन जॉन हेनरी से कौन पूछ रहा है भाई जॉन हेनरी तो दिखता ही नहीं है नॉट आंसरेबल नॉट एंसरेबल वो वही मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि वो फ्री रेंज दे के रखा है हम आपस में मतलब वही बात है ना कि हम छोटा छोटा यार तेरी गलती है तेरी गलती है हाँ ओनर तो चिल मार रहा है एक बार क्या होता है ना कि देख एक बताता हूं एक ना शीशे में एक बॉटल में रेड एंड्स एंड ब्लैक ठीक है यू कीप देम एंड यू शेक द बॉटल तो रेड एंड्स और ब्लैक ना आपस में लड़ने लगते हैं उनको लगता है ये एनिमी है उनको लगता है वो एनिमी है रियल एनिमी इज द वन हु बॉटल मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती सबसे हुई है प्लेयर्स मैनेजर क्लॉप क्लॉप का मैं भक्त हूं यार लेकिन मैंने बहुत बार बोला है पब्लिक बहुत मिसकंफ्यूज mis मिसअंडरस्टैंड करती है क्लॉप की बहुत गलती है लेकिन द विद ओनर्स उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई तेरे को जितना पैसा चाहिए हम देंगे ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ चार मिलियन हम एक विंडो में स्पेंड कर देंगे बट कम से कम अगर क्लॉप बोल रहा है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो आप दो उसको आप ये मत बोलो कि तेरे पास ये फंड है तू चूज कर बिकॉज आप चलो आप हम बोलते हैं ना कि हमको अपने आपको चेल्सी से कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको अपने मैन यूनाइटेड से कंपेयर नहीं करना चाहिए से कंपेयर नहीं करना चाहिए फील्ड पे तो अगर आप मैं जॉन हेनरी की बात कर रहा हूँ फील्ड पे तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप, आप कहीं ना कहीं इक्वालिटी तो दिखानी पड़ेगी ना आई टोटली एग्री मैं तो ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि आप अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर दो ऐसे बट दो विंडो तो दो अस टू ट्रांसफर अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बट उनको देखना चाहिए अभी हाँ यार ये दो ट्रांसफर विंडो हम अपना टैक्टिक चेंज करते हैं ठीक है बी लाइक दिस ओके क्लॉप तेरे को दो साल हम जितना पैसा चाहिए देंगे फिर हम नेक्स्ट तीन साल नहीं देंगे समझ रहा है? हाँ. अगर तेरे को रिबिल्ड करना है तो ले एक बिलियन ओवर फोर ट्रांसफर विंडोज मैं तो ज्यादा बोल रहा आई आई नो एम जो ये कभी करेंगे नहीं साले बट तू ले बिलियन ले और ये बिलियन दस साल में करना है या तेरे को भिंडी दो साल में करना है या तीन साल में तेरे ऊपर बट इसके बाद तू मेरे पास मत था फॉर द नेक्स्ट फाइव एक एक नंबर दे रहा हूं कर दो वो कर दो वो

Why it's, मतलब मैंने और मैंने हमेशा ये बोला यारीज डन लॉर्ड ऑफ गुड बट मैं एक चीज बोलू मेरे को ना इतना हाट पता है ये सब उन्होंने किया हुआ है उनको पता है स्कोड रिफ्रेशमेंट क्या है क्या जरूरी चीज है और क्लॉप को भी क्लॉप यार उसने समर में बोला तो मिडफी की जरूरत नहीं है अभी बेटर लर्न क्योंकि अगर फिर से अगर क्लॉप ने ये समझ में बोल दिया ना कि नहीं हमको एक प्लेयर की जरूरत है देन देन वी के जैसा मतलब दिमाग में डाउट पैदा होना है कि भाई तू मतलब आर यू सेइंग आई थिंक नाउ एवरी वन इज देख मेरे हिसाब से छह प्लेयर चाहिए ah. कितने लग रहे हैं क्लॉप को दो लग रहे हैं या क्लॉप को छह लग रहे हैं या क्लॉप को आठ लग रहे हैं या क्लॉप को तीन लग रहे हैं I don't know, अगर, रियाल, अगर बीच में यह आया था कि दो तीन महीने पहले तक क्लॉपेड नाबिकेटा टू स्टेटेंड अब इसमें कितनी रियालिटी है, भाई? अगर, अगर ये रियालिटी है तो फिर मैं बहुत शॉक हूं कि वो पांच साल के बाद भी अगर उसको लग रहा है कि नाबिकेटा विल टर्न इट अराउंडपूल फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई वॉट इज यज य आपको लग रहा है

आपको एक वो कौन सी wow! मूवी थी यार? <laughs> वो वो कौन सी मूवी थी यार वो वो अनिल कपूर वाली नो no एंट्री आपको नो no एंट्री मिल गई एक एक कुछ गोल्स उसने मार दिए आई लव नाबिकेटा का पोटेंशियल मेरे को बहुत उम्मीद थी उससे यार आठ नंबर की जर्सी दी थी उसको बट नहीं इफ क्लॉप थिंग्स नाबिकेटा विल टर्न इट अराउंड यार नहीं नहीं, नहीं।, नहीं, 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 नहीं मैं अभी, अभी को नहीं। सिंगल आउट और मैं नैबिकेटा को यहाँ पे सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ बट कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे हम अब हाथ जोड़ना पड़ेगा या आई एग्री चलो गैस यही था वीडियो यार uh, हम तो कीप सेल की बाइक कर, बात करते-करते काफी कुछ बात कर ली हम लोग ने uh. यही होता है सदमा जब आप पांच गोल खाते हो हैंडफिल्ड पे <laughs> या वहां की बातें आप बताइए हु वुड यू कीप हु वुड यू सेल अगर आपको एफएससी को गाली देनी है कर दो लेट्स डू इट इन द कमेंट सेक्शन दिस जोकिंग बट या